गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस क्लास में अपन बेंजाइन के बारे में पढ़ते हैं। बेंजाइन जो है ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। बेंजाइन ये बेंजीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में सिंगल डबल होता है। बेंजाइन जो होता है इस बेंजाइन में एक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इस प्रकार से एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। इसी प्रकार से एक ट्रिपल बॉन्ड इस एसिटिलीन में भी होता है। ये इस प्रकार से एसिटिलीन है, इसमें भी एक ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर एक विशेष पॉइंट आता है कि एसिटिलीन जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड होता है, जबकि बेंजीन जो होती है वो बहुत ही अनस्टेबल कह सकते हैं या लेस स्टेबल कह सकते हैं और हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, उसका क्या कारण है? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो इसमें भी है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी है, फिर ये तो रिएक्टिव नहीं है बल्कि ये हाईली रिएक्टिव क्यों है, इसका रीजन क्या है? यहां पर जो है यहां पर लीनियर स्ट्रक्चर बनती है इसकी। कैसी स्ट्रक्चर बनती है? लीनियर स्ट्रक्चर बनती है और लीनियर स्ट्रक्चर के कारण 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का जो कोणीय तनाव है वो नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 180 से कम है, लेस देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से कम है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए और लीनियर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर लीनियर भी नहीं है और बॉन्ड एंगल भी 180 से कम है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में हाईली तनाव होगा, कोणीय विकृति आ जाएगी और उस कोणीय विकृति के कारण ही जो बेंजाइन है वो बहुत ही अधिक क्रियाशील होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है। अब जैसे कि अपन एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं, उस एल्किल हैलाइड और एसिटिल हैलाइड की बात करते हैं, तो एल्किल जो हैलाइड है वो एल्किल हैलाइड तो मोस्टली कौन सी अभिक्रिया देते हैं? SN1 SN2 इस टाइप की अभिक्रिया देते हैं, एलिमिनेशन अभिक्रिया भी देते हैं। और एक जो होता है एसिटिल हैलाइड की बात करते हैं तो एसिटिल हैलाइड जो है वो एसिटिल हैलाइड भी एलिमिनेशन अभिक्रिया भी देते हैं, एडिशन अभिक्रिया भी देते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। तो देखो एक रिएक्शन आपने सुनी होगी एडिशन रिएक्शन, और उस एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इस प्रकार से होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एनिलीन है, एनिलीन अब क्लोरोबेंजीन, एनिलीन ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन से जब एनिलीन का निर्माण कराते हैं, क्लोरोबेंजीन इस क्लोरोबेंजीन से जब एनिलीन का निर्माण कराते हैं तो इसकी जो अभिक्रिया है सबसे पहले किससे करते हैं? दुर्बल एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं। जब इसकी अभिक्रिया NaOH से की जाती है एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, या फिर NaNH2 से करते हैं, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन H+ इलेक्ट्रॉन देके ये इस प्रकार से इसमें से निकल जाता है और यहाँ से क्या निकल जाता है? Cl। इस प्रकार से इसमें से क्या निकल जाती है? HCl का जो एक मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाता है, ये HCl निकल जाएगा और ये एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसको क्या कहते हैं? बेंजाइन। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? इधर से H निकल रहा है, इधर से क्या निकल रहा है? Cl निकल रहा है, इसलिए ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप जो है उस सेकेंड स्टेप में यही जो बेंजाइन है, यही जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन बहुत ही रिएक्टिव होता है और रिएक्टिव होने की वजह से अमोनिया से क्रिया करता है। जब अमोनिया से क्रिया करता है तो एक एच तो याद हो जाता है और एक एच NH2 याद हो जाता है। इस प्रकार से उत्पाद के रूप में ये इस प्रकार से क्या प्राप्त हो जाता है?
ये NH2 प्लस, ये इसी प्रकार से ये NH2, इस प्रकार से जो उत्पाद है वो उत्पाद प्राप्त हो जाता है, बनता तो एनिलीन है। लेकिन इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये जो दो कार्बन है जिसके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन सेम पोजीशन में होते हैं। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ोगे और NH2 को यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन को ऊपर जोड़ते हैं NH2 को नीचे जोड़ते हैं तो ये इस प्रकार से कंपाउंड बनता है। क्योंकि इस यौगिक के अंदर तो क्या है, प्रतिस्थापी केवल एक ही लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में ये बनाओगे तो भी सही है, ये बनाओगे तो भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही है। लेकिन अगर इसके ऊपर ऑलरेडी कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो पहले से, तो उस कंडीशन में दोनों प्रकार के उत्पाद बनते हैं। इसके अंदर ये इस टाइप से उत्पाद भी बनता है और इस टाइप का जो उत्पाद है वो भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है बेंजाइन से होती है, इस बेंजाइन से होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनकी मैकेनिज्म को बेंजाइन मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उनको कहते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एडिशन होता है। इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया को एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन या एलिमिनेशन मैकेनिज्म को एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहते हैं। ये यूनिट नंबर जो 5 पढ़ेंगे अपन, उस यूनिट नंबर 5 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यूनिट फर्स्ट में तो इससे रिलेटेड प्रश्न कम आता है, लेकिन टॉपिक अपने फर्स्ट में भी है, और यूनिट नंबर 5 में 100% हर वर्ष ये प्रश्न आता है कि बेंजाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेंजाइन, किसी एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, एक्सप्लेन बाय एनी एग्जांपल, किसी एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो आपको इसके बारे में इसी प्रकार से अभिक्रिया लेके इसको दो स्टेप के अंदर इसकी जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।